नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस लेक्चर से हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि जिसकी ज़रूरत हमें आगे जाकर डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम बनाते वक्त भी पड़ती है। बड़ा ही काम का टॉपिक है ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है ये जानने से पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। तो जरा बोर्ड पर निगाहें दौड़ाइएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में कुछ चंद लाइनें लिखी हुई है। इट इज़ एन एलोकेशन टेक्निक विच एलोकेट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। तो इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों? तो यहाँ पर आपने देखा होगा आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे तो उन प्रोग्राम्स के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया करते थे, हम कुछ एरे डिफाइन किया करते थे। तो हमारे वेरिएबल्स को या एरे को मेमोरी में कितनी साइज मिलना है ये बात हम प्रोग्राम में लिखते वक्त ही जता देते थे। मतलब कंपाइल टाइम पर ही कंप्यूटर को ये पता होता था कि इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जो वेरिएबल्स हैं या जो एरेज हैं कितनी मेमोरी अक्यूपाई करने वाले हैं। रन टाइम पर तो सिर्फ उस मेमोरी का, उन वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो आइए दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हम इस एग्जांपल का सहारा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया हुआ है और इसकी साइज है यहाँ पर 5। यानी कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में एक एरे बन जाएगा इंटीजर टाइप का जिसकी साइज होगी 5। मतलब अपने अंदर ये 5 इंटीजर्स को स्टोर करके रख सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेमोरी में कुछ इस तरह से एक एरे बन जाएगा। इस एरे की साइज है 5 और ये इंटीजर टाइप का एरे है। हम मान लेते हैं हमारा कंपाइलर 16 बिट का है तो हर एक इंटीजर की साइज यहाँ पर होगी 2 बाइट। अब क्योंकि ये एरे अपने अंदर 5 इंटीजर्स को स्टोर करने की काबिलियत रखता है, यानी कि इसकी कुल साइज, इसकी टोटल साइज कितनी होगी दोस्तों? 5 × 2 10 बाइट्स। 10 बाइट्स का ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। तो दोस्तों जब हमने प्रोग्राम के अंदर ये इंस्ट्रक्शन लिखा, जब कभी भी हम किसी एरे को आज तक डिफाइन करते आए थे, डिक्लेयर करते आए थे, तो हम प्रोग्राम के अंदर कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शंस लिख दिया करते थे। तो साथियों जब कभी भी प्रोग्राम में अगर ये इंस्ट्रक्शन मान लीजिए हमने लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने गुजारिश की है कंप्यूटर से कि हमें 10 बाइट का एक ब्लॉक दे दीजिए जो कि इस एरे ए के नाम पर एलोकेट कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह से। यानी कि कंप्यूटर को प्रोग्राम के दौरान ही पता है कि उसे कितने बाइट्स इस एरे को देना है। फिक्स साइज यहाँ पर एरे के नाम पर वो एलोकेट कर देगा जो कि होगी 10 बाइट्स, ना ज़्यादा ना ही कम। तो दोस्तों ये जो तरीका है यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन का, ये जो टेक्निक है मेमोरी एलोकेशन की, इसी को कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब इस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कुछ खामियां होती है दोस्तों, इसके अंदर कुछ कमियां हैं। क्या है वो कमियां? तो ज़रा देखिए इस एरे की साइज कितनी है दोस्तों? 5। एक फिक्स साइज है इस एरे की, 5 इंटीजर ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर मैं बाइट्स में बात करूं और अगर हमारा इंटीजर 2 बाइट का है एक इंटीजर, तो इसकी टोटल साइज मेमोरी में है 10 बाइट्स। यानी कि ना 10 बाइट से कम ना ही 10 बाइट से ज़्यादा, ये फिक्स मेमोरी अलोकेट कर दी गई इस एरे के नाम पर 10 बाइट। अब हुआ ऐसा कि जब यूज़र ने इस एरे का यूज़ किया वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, और मान लीजिए उसने इसके अंदर सिर्फ 3 इंटीजर्स स्टोर करवाए, पूरे 5 इंटीजर्स स्टोर नहीं करवाए, सिर्फ 3 इंटीजर्स उसने स्टोर करवाए, तो ज़रा बताएं दोस्तों 10 बाइट में से कितने बाइट्स काम आए हैं यहाँ पर? तो 10 बाइट्स में से सिर्फ यहाँ पर 6 बाइट्स काम आए हैं। बचे हुए 4 बाइट्स का क्या होगा? तो दोस्तों बचे हुए जो 4 बाइट्स हैं वो हो गए हैं वेस्ट, वो व्यर्थ चले जाएंगे। व्यर्थ क्यों हो गए हैं, वेस्ट क्यों हो गए हैं, फिजूल वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि दोस्तों इस एरे को 10 बाइट अलोकेट किए जा चुके हैं। ये 10 बाइट इस एरे ऐसे अब कोई नहीं छीन सकता। ये 10 बाइट्स में से कोई भी मेमोरी स्पेस किसी और वेरिएबल को अब नहीं दी जा सकती। ये 10 बाइट तो पूरे के पूरे इस एरे के
नाम पर एलोकेट हो गए हैं। अब इसमें से अगर किसी ने सिर्फ 3 इंटीजर्स ही इसके अंदर स्टोर करवाए हैं तो उसने सिर्फ 6 बाइट्स इसमें यूज़ किए हैं, बचे हुए जो 4 बाइट्स हैं वो हो जाएंगे वेस्ट। तो दोस्तों एक सिचुएशन तो ये बन सकती है, दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, तो दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि हो सकता है यूज़र इसके अंदर 5 इंटीजर नहीं 7 इंटीजर स्टोर कराना चाहता है, 10 इंटीजर स्टोर कराना चाहता है। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस एरे को मेमोरी में स्पेस कितना लोकेट हुआ है, 10 बाइट। अगर यूज़र चाहता है कि वो इसके अंदर 7 इंटीजर स्टोर करना चाहता है तो उसे कितने बाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 14 बाइट्स की, 14 बाइट्स की। तो दोस्तों जितना मेमोरी स्पेस यहाँ पर एरे ए के नाम पर अलोकेट हुआ है 10 बाइट, क्या उतने में यूजर की मांगे पूरी हो रही है क्या? जी नहीं। यूजर तो अब चाहता है कि वो 7 इंटीजर स्टोर करना चाहता है, 7 इंटीजर से स्टोर करने के लिए 14 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी, 14 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मेमोरी की कमी हो जाएगी। अगर ऐसे हालात बने जब यूजर की मांग है ज्यादा, वो चाहता है ज्यादा वैल्यूज स्टोर करना, पर मेमोरी स्पेस तो एक फिक्स्ड अमाउंट में ही उसके सामने अवेलेबल है, तो क्या वो ऐसा कर पाएगा, क्या वो ज्यादा इंटीजर्स स्टोर कर पाएगा क्या? जी नहीं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो खामियां हैं इस केस में, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में आप देख सकते हैं दो खामियां हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। पहली तो क्या हो सकता है कि जितनी स्पेस एलोकेट की गई हो उसमें से यूजर कम स्पेस ही यूज करें, जैसे कि 10 बाइट अगर स्पेस एलोकेट की गई हो यूजर हो सकता है 6 बाइट्स ही उसमें से इस्तेमाल करें, तो 4 बाइट्स हो जाएंगे वेस्ट। दूसरी खामी यह है कि हो सकता है भाई यहाँ तो फिक्स्ड अमाउंट में मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दी गई, 10 बाइट मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दी गई है, पर यूज़र की चाहत कुछ ज़्यादा है, यूज़र चाहता है कि वो 7 इंटीजर इसके अंदर स्टोर करे तो उसे 14 बाइट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस केस में मेमोरी स्पेस कम पड़ जाएगा दोस्तों। तो ये दूसरी खामी है। तो बेहतर ऑप्शन क्या होगा, बेहतर विकल्प क्या होगा? तो बेहतर बात तो ये होती कि यूज़र से खुद से ही हम पूछ लें कि बता रे यूज़र तेरे दिल में क्या छुपा है, क्या है तेरी मर्ज़ी, तू कितने इंटीजर्स यहाँ स्टोर करवाना चाहता है, कितनी वैल्यूज़ किस टाइप की तू यहाँ पर स्टोर करना चाहता है, उतना ही मेमोरी स्पेस तुझे दे देंगे। यानी कि अब जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस वक्त हम पूछेंगे यूज़र से कि बता रे यूज़र तेरी मर्ज़ी क्या है, क्या है तेरे दिल में छुपा, कितने इंटीजर्स तू स्टोर करना चाहता है। अगर यूज़र ने कहा कि मैं तो 10 इंटीजर्स स्टोर करना चाहता हूँ, तो हम उसे कितने बाइट्स का ब्लॉक एलोकेट करवा देंगे दोस्तों, 20 बाइट का। अगर यूज़र ने कहा कि मैं तो बस 3 ही इंटीजर्स स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो हम उसे कितना मेमोरी स्पेस अलोकेट करवा देंगे दोस्तों, 6 बाइट, यानी कि जितना यूज़र चाहेगा उतना ही मेमोरी स्पेस हम उसे अलोकेट करवा देंगे, यानी कि ना तो कोई मेमोरी वेस्ट होने वाली है और ना ही मेमोरी स्पेस यूज़र की मर्जी से कम अलोकेट होने वाली है, जितना यूज़र ने चाहा उतना ही हम उसे दे देंगे। तो ये जो टेक्निक है जिसमें हम रन टाइम पर ये डिसाइड करते हैं कि कितना मेमोरी स्पेस अलोकेट करना है, रन टाइम पर हम यूज़र से ही पूछ लेते हैं कि बता रहे यूज़र कितने मेमोरी स्पेस तू अलोकेट करना चाहता है, कितनी मेमोरी की तुझे ज़रूरत है, कितनी वैल्यूज़ तू स्टोर करना चाहता है, जिसमें यूज़र की भी मर्जी शामिल है। तो इस टेक्निक को दोस्तों हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। साथियों यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को हम इन कुछ चंद लाइनों में कुछ इस तरह से समेट सकते हैं। इन दिस टेक्निक मेमोरी इज एलोकेटेड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। मतलब इस टेक्निक के अंदर क्या होगा, मेमोरी कब एलोकेट की जाएगी, जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब, मतलब प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा उस वक्त। और वी कैन से मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम, यानी कि जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है, जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस वक्त इस टेक्निक के जरिए मेमोरी एलोकेट की जाती है, तो इसी को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कह देते हैं यहाँ पर। तो साथियों किसी प्रोग्राम के अंदर किस तरह से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया जाता है, किस तरह से हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं एट द रन टाइम, इस चीज़ को समझेंगे हम अगले लेक्चर में, जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन
के लिए कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, कुछ ऐसे फंक्शंस जिनके जरिए हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करवा सकते हैं, उन फंक्शन का हम जिक्र करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।